तो चूंकि हम अपने मुल्क में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते, व्हेन यू गो अब्रॉड वी ब्रेक देम समहाउ, वी डोंट शो दैट वी आर सिविलाइज्ड। वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं, तो उसका एक रीजन है क्योंकि वो अपनी मिनोरिटीज को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनोरिटीज के साथ भी अच्छे से रहते हैं। दूसरा कुछ हमारी अपनी हरकत है, ठीक है, तो हम देखें तो इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है विद अदर कंट्रीज। के अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज्यादा आगे आ रहे हैं? पाकिस्तानी करते हैं सबकी कॉपी, वो कॉपी पूरा कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जब से इस पाकिस्तानी खातून को ये पता चला है पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तानियों से अलग व्यवहार किया जाता है और पाकिस्तानियों से अलग व्यवहार किया जाता है, तब से इस खातून का दिमाग सनक गया और इस मैडम ने उठाया अपना माइक और माइक उठा के पब्लिक के बीच में चली गई और ये जानने की कोशिश की आखिर इन पाकिस्तानियों को इतना जलील क्यों किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर और भारतीयों को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। और पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल और पाकिस्तानियों की जहालत पूरी दुनिया में जग प्रसिद्ध है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो वीडियो के अंदर आप लोगों को तो मजा आने आने वाला, तो फिर देरी किस बात की, इस मजेदार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती वाले वीडियो को शुरू किया जाए। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर, आज हम बात करेंगे फॉरेन कंट्रीज स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जी हाँ, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है, ना सिर्फ इतना बल्कि ट्विटर और फेसबुक के सीईओ भी इंडिया से हैं। हर ममालिक में, हर वेस्टर्न ममालिक में ज़्यादातर इंडियंस अच्छे अहदों पर फाइज हैं जबकि पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाती। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, पाकिस्तान कहाँ लैक कर और आने वाले वक्तों में क्या चीज़ जो है इसको आगे ले जा सकती है, ये हम जानेंगे पाकिस्तानी आवाम से। हमारे साथ रहिएगा, हम तो आपके साथ में रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी लोगों से जवाब सुनने से पहले हम हिंदुस्तानी की राय तो सुन लीजिए कि पाकिस्तानी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तानी के दिमाग में सिर्फ बेहतर हूरें होती हैं, वो भी 130 फीट की, इसलिए जहालत दिखाने में और बेहतर हूरें पाने के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, इसीलिए उनकी जहालत होती है। नाम है नाइशा, मुझे ये बताओ कैसी क्या वजह है कि पाकिस्तानीज और इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? व्हाट आई बिलीव इज ह्यूमैनिटी इज व्हाट इंटरनेशनली दे फिगर आउट के वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनर्स एज वेल। तो वी पाकिस्तानीज एंड इंडियन समहाउ लैक दैट, हमें नहीं पता कि हाउ टू सिट पब्लिकली, हाउ टू रिस्पेक्ट वेमेन, हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। तो चूंकि हम अपने मुल्क में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते, व्हेन यू गो अब्रॉड वी ब्रेक देम समहाउ, वी डोंट शो दैट वी आर सिविलाइज्ड। तो इस पॉइंट के हवाले से आई फील लाइक दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी आर Not respected around the world. इन मोहतरमा का ना तो हिजाब दिख रहा है ना बुरखा दिख रहा है। फिजा खलीफा जी, आप एमवे हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बुरखा हिजाब में घुसेड़ना चाहते हो, अपनी पाकिस्तानी आवाम को तो देख लो कैसे घूम रही है मस्त हीरोइन बनके। पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी हरकतों की वजह से सबसे पहले मशहूर हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से देखा जाए तो, अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, बेसिकली बाहर अगर आप ग्लोबली देखें ना तो टैलेंट की बेस पे किया जाता है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं, तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े सीईओज देख लें, डिफरेंट देख लें, उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस लेवल के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ आइडल्स नहीं थे जिसकी कमी थी हमारे लिए। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है लोंडा। अच्छा, और क्या वजह है कि इंडियंस को वो लोग इतना ज़्यादा जो है अच्छे ओहदों पे फाइज किया हुआ, उन्होंने इंडियंस इतनी तरक्की करें दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी मिनोरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनोरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं, लाइक वो वुमेंस को आगे प्रमोट करते हैं और यही। उनके हार्डवर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो हैं वो। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी भी करते हैं लेकिन एक पॉइंट पे आके ना पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं उनकी, बस हो जाती है ये। तो वो इतना जो है ना, हमें मतलब लाइक शुरू से ही ऐसे माहौल में पड़े हैं कि वो घर वाले कहते नहीं बस ठीक है तो ठीक है बस। फीमेल्स को तो पढ़ाया है यहाँ पे इसलिए जाता है कि कल को अच्छा रिश्ता आ जाए, नो रीज़न अदर देन दैट। जी बिल्कुल, यही चीज़ होती है कि डिग्री होगी तो लड़का अच्छा मिल जाएगा, रिश्ता अच्छा आ जाएगा, अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा। अब मेरे बाबा की खुद गवर्नमेंट जॉब है उनकी यही सोच है
किन की नहीं, मेरे घर पे ये सोचती है लाइक मेरे, मुझे उन लोगों ने कहा हुआ है कि जो मर्जी है करो। लड़की की बातें सुन के लगा लड़की अच्छे परिवार से अच्छी परवरिश हुई है इसकी और काफी नौबतुल्ला जवाब दिए इसने, तो ऐसी खातून को हम नहीं छोड़ेंगे। मैम इसकी बेसिकली एक वजह तो ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं, एक तो हम अपने रिलीजन के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, रिलीजन की बेसिस के बाद हमें जो है ना ये फील होता है कि हम वहाँ पे जो राइट्स हैं इक्वल नहीं मिलते। दूसरा कुछ हमारी अपनी हरकत हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोग जाते हैं वहाँ जाके जिस मकसद के लिए, स्टडी वीज़े भी गए हैं वो स्टडी करना छोड़ देते हैं, वहाँ सिर्फ उन्होंने काम करना, सिर्फ पैसा कमाना, हमारा मकसद सिर्फ एक होता है पैसा कमाना, ठीक है, एक ये भी रीज़न है। और एक और रीज़न है कि हम जब भी वहाँ जाते हैं मतलब वहाँ के रूल्स ब्रेक करते हैं, पाकिस्तान में हमें पता है हम कोई रूल फॉलो नहीं करना, अपनी मर्जी से काम करना, जब हम ये चीज़ें वहाँ फॉलो नहीं करते इन सब चीज़ों से हट जाते हैं, तो वो फिर इस वजह से हमें इतनी इज्जत नहीं देते कि यार ये पाकिस्तानी है, ये तो फ्रॉड है, इनका एक ही काम है धोखा देना, इसकी इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है और ये हमने ठीक करनी है, तो ये हम पे डिपेंड करता है, ये वजह है मेरे ख्याल। और ऐसी क्या वजह है कि इंडियंस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडियंस को इतने ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं फॉरेन कंट्री? एक तो ये उनकी गवर्नमेंट का भी है, उनकी गवर्नमेंट की जो है उनकी गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है, उसके बाद वो जो है वो खुद को प्रॉपर हर चीज़ में वेस्टर्न की तरह डाल रहे हैं, ठीक है, ये बेसिस है मेरे ख्याल में, यही वजह। बात बंदे ने पते की कही, टके की कही, और ये जवाब सुनने के बाद में आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल चुका होगा कि बंदे ने बातें बिल्कुल ठीक ठीक कही है। ऑन अनदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? Firstly, they all of whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well, their English, they are, you know, they look literate, they sound literate, they are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe ke haan, Indians, they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे आई हैव बीन लुकिंग फॉर इन अ डॉक्यूमेंट्री एज वेल के कुछ गरीब इंडियंस भी हैं बट दे आर हाईली एजुकेटेड, वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, तो दैट्स अ डिफरेंस, आई बिलीव के दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। बिना हिजाब बिना बुरके वाली खातून ने बहुत अच्छी बातें कही और हम इनकी बातों से एग्री करते हैं। तो इंडियंस जो है वो क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ है उनके अंदर, कौन सा ऐसा करंट है उनके अंदर कि हर जगह छाए हुए हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, व्हाई? अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो उस इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रांग है विद अदर कंट्रीज़, ठीक है, चाहे वो हमारा यूएन है, चाहे वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया के टाइज आर वेरी 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 स्ट्रांग। और अगर हम देखें तो इंडिया के साथ देयर आर मेनी इंटरनेशनल कंपनीज दैट आर वर्किंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे को लगता है ये जो खातून है जो माइक लेके घूम रही है, इसने पाकिस्तान के कम से कम 500 लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, उनमें से इसने सेलेक्ट करके 5 लोगों का इंटरव्यू अपने वीडियो में दिखाया होगा, ताकि ये वीडियो को देखने के बाद में लोगों की मानसिकता ये हो कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा समझदार लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में गधों की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। सही बात है, आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी उसी तरह प्रमोट किया जा सकता है इंटरनेशनल, ग्लोबली जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, उसी तरह पाकिस्तान भी आगे जा सकता है अगर हमारी यूथ मेहनत वगैरह करे तो, फिर तो जा सकता है। अदरवाइज जो हालात हमारे और स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, स्टूडेंट मेरे भी कोई अच्छे हालात चल ही नहीं रहे, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जा। पाकिस्तानी करते हैं सबकी कॉपी, वो कॉपी पूरा कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते, कॉपी नंबर वन कभी आ नहीं सकती, वो बनना चाहते हैं रेप्लिका बन जाते हैं, लेकिन वो कोई फायदा नहीं। आखिरी वाले बंदे ने बिल्कुल सही बोला है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है, पाकिस्तानी कॉपी करना जानते हैं और वो कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो और ज्यादा इनको जलील होना पड़ता है, पूरी दुनिया में रुसवा होना पड़ता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पाकिस्तानी को अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी की क्या वैल्यू है और एक हिंदुस्तानी की क्या वैल्यू होती है। और आप लोगों को क्या लगता है, आपके जो भी विचार हो आप कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए, क्योंकि आपको कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं आपके कमेंट पढ़ के बहुत जलील होते हैं, उनको बहुत मिर्ची लगती है, तो मिर्ची लगाना धुआं करना ये आपका काम है, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ आपका। भाई ने बोला करने का तो करने का। वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चल बस, लाइक है क्या। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।